राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ हैं क्योंकि सरकार पहलवानों के साथ नहीं है और सरकार जब तक महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और सरकार के लिए संदेश है कि सरकार ने पहलवानों की सुध नहीं ली तो हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और बृजभूषण के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे मगर सरकार बृजभूषण को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगर यहाँ बात करें बृजभूषण की तो बृजभूषण भी अपने बचाव में लगातार पहलवानों को दोष दे रहे हैं मगर पहलवान अभी भी चाहते हैं कि बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए मगर जिस तरह से महिला पहलवानों को समर्थन मिल रहा है उसके साथ जारी कर रहे आने वाले समय में आपको बता दें कि यह आंदोलन नंबर चलने वाला है और सरकार की तरफ से बृजभूषण के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है मगर बृजभूषण अपने बचाव में बार बार कह रहे हैं कि वह दोषी हो तो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। जी देखो रिपोर्ट दर्ज हुई है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देश में ये कानून है कि रिपोर्ट दर्ज होते ही गिरफ्तारी हुई है या तो ये कह दे कि भाई आज के बाद में अगर कोई रिपोर्ट दर्ज होगी तो गिरफ्तारी नहीं होगी आप कानून बना दो। देश में दो कानून नहीं चलेंगे, अगर दो कानून चलेंगे तो ये आंदोलन चलेगा। आप लोगों के माध्यम से ये खबरें पूरा देश और दुनिया में जा रही है। हाँ तो आ जाओ, उनको भी फिर यही आने का बैठना पड़ेगा, इन लड़कियों से मिलवाएंगे उनको जो उनके समर्थक आएंगे, ये लड़कियां उनके मंच पर जाएंगी और अपनी बात कहेंगी। बुलवाओ आप, मंच लगवाओ उनका, उनके मंच पे ये लड़कियां जाएंगी और जो पंचायत उनके समर्थन आएगी उन्हीं पे हम फैसला छोड़ देंगे। बुलवाओ पंचायत उनकी। मोदी का कहाँ भी जिक्र आ रहा, अगर वो उनका सपोर्ट करेगा तो हमारा सरकार पे भी रहेगा, सरकार उनकी सपोर्ट कर रही है, उनको गिरफ्तार सरकार करे। मोदी को क्यों पीछे में जाते हो, अभी तो उनसे है, उन्होंने हरकत करी है तो उन्होंने करा, मोदी ने थोड़ा हरकत करी उसने करी है। सारे किसान आंदोलन शाहीनबाग, यहाँ पे कहाँ शाहीनबाग है, आप इन्हें उड़ जाओ जैसे भी उड़ जाना। शाहीनबाग वाले वहाँ से आपने भेज दिए देश से बाहर, वे लोग वो तो यही है, शाहीनबाग भी यही है, एक आदमी बाहर गया नहीं। इन्हें मतलब शाहीनबाग से उड़ जाओ, किसान आंदोलन से उड़ जाओ, एक जाति से उड़ जाओ, इन्हें जाट समाज की बनाओ, इन्हें हरियाणा के बनाओ, एक अखाड़े के बनाओ, इन्हें आप उड़ जाने की कोशिश करो। लेकिन मुद्दा ये है, अगर एक समाज की बेटी के साथ में भी कुछ हुआ है, जिसके साथ में हुआ वह इस देश की धरोहर है, उसने कंप्लेंट करी है, उस पर कानून अपना काम करें, उसकी गिरफ्तारी हो, जांच को प्रभावित ना हो। और जांच एजेंसी है हमारे पास में, ये गलत होंगे तो हम इनको कहेंगे, वो गलत है तो उसको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, मुझे फैसला मंजूर है जो भी होगा। फिर लगातार कह रहे हैं वो, अरे उसको कहने से थोड़ा पुलिस अपना काम नहीं कर रही ना। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, मुझे फैसला मंजूर है जो भी होगा। फिर लगातार कह रहे हैं वो, अरे उसको कहने से थोड़ा पुलिस अपना काम नहीं कर रही ना। दिल्ली पुलिस अपना काम कहाँ कर रही, उसको गिरफ्तार करे वन से ही जावे। लेकिन वो कह रहे कि ये, अरे वो क्या कोई वो है कि वो कह रहा, वो कह रहा क्या कह रहा, वो बताओ। नहीं क्यों करे धरना खत्म, वो कोई जज लग रहा है यहाँ का या यहाँ का पुलिस कमिश्नर है कि धरना खत्म करे, पुलिस से उठवा दो इनको, जेल भेज दो भाई, इनको जेल भेज दो ना, गलत है ये है जी। और हम तो बैठे हैं यहाँ पे, हम क्या 13 महीने का तो सर्टिफिकेट इनसे लेकर जा रहे हैं हम। अरे पूरे देश में हो गए प्रदर्शन, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे अब, आप यहाँ से दिखाते रहो यो गिरफ्तारी हो जाएगी, 10-15 दिन में हो जाएगा सारा काम, होगा हो जाएगा। 41 दिन का कोर्स है हमारा, पहला जो टेबलेट है वो 41 दिन की हमारे पास में, क्योंकि चीरा फाड़ी वाला नहीं, हम देसी दवाइयों से इलाज करें, उसका पहली जो टेबलेट है वो 41 दिन की, तो अभी 31 दिन हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद में दूसरी टेबलेट बदलेंगे अगर उससे आराम नहीं होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि पहली खुराक में आराम हो जाएगा।
दूसरा बता देंगे, अभी तो टाइम है, बता देंगे। अरे क्या बता क्या करेंगे हम, वे ट्रैक्टर कहीं चले गए, वे किराए के थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर किराए के थे क्या? देखा नहीं था क्या क्या कर सके? देखा था ना, 10 साल बाद में ट्रैक्टर का टैंक बन जाता है। वे ट्रैक्टर कहीं किराए के नहीं थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है, 25 लाख आदमी भी यहीं है। दोबारा से ट्रैक्टरों का क्या पता क्या हो जाएगा आगे, क्या पता भाई, भाई भूतकर आंदोलन का क्या पता कब कहां शुरू हो जा। तो किसान आंदोलन की तरीके से चलाना पड़ेगा, ये चल रहा है ना, यहाँ पे जो बट्टे हुए हैं ये किसान आंदोलन की तरीके से चल रहे हैं, हर रोज लोग आ रहे हैं, वैचारिक रूप से ये आंदोलन पूरे देश में चला हुआ है, आप लोग दिखाते रहो ये चलता रहेगा। लेकिन पुलिस बिजली काट रही है, अरे काटन दो बिजली तो काटेंगे तो पहलवान आदमी पसीना निकल जाएगा, बिजली काटेंगे बिजली से, ये डरने वाले हैं बिजली से। ब्रजभूषण ने कहा कि मोदी कहे तो इस्तीफा दे दूंगा, मोदी क्यों नहीं कह रहे? आप पूछ लो सर, कभी 7 साल में आपने क्वेश्चन करा, आप बीजेपी वालों से एक क्वेश्चन जरूर करो, ये दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन करो। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, भाई पता नहीं मारे तो बात होती नहीं, आपकी होता आप पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, हमें नहीं पता, वो तो आप बताओ, आप प्रचार करते रहोगे तो वो गिरफ्तारी होगी,